एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मतलब क्या हुआ कि हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें किस नंबर से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें पहले इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे 243 के। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 243। अब देखिए इसे 243 को हमें किससे कट करना होगा, 3 से, 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर देखिए 3 2 द 6 और 3 7 द 21, फिर 3 9 द 27, 3 3 द 9। अब हमारे पास में कौन कौन से नंबर्स आ गए, देखिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम आ गया, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये देखिए 5 टाइम हमने 3 3 लिख दिया। अब इसमें हमें ट्रिपलेट बनाने हैं इसके, देखिए ये ट्रिपलेट बन गया और यहाँ पर ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें एक 3 और चाहिए, टू ऑब्टेन ट्रिपलेट 3 इज रिक्वायर्ड, 3 इज रिक्वायर्ड। सो इसने पूछा था बाई स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड, सो इट मस्ट बी, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 3 और चाहिए, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है 256। 256 को भी हम इसी तरह से यहां पर फैक्टराइजेशन इसका कर लेते हैं। ये देखिए 256 को 2 से करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अब जितने भी इसके फैक्टर्स आ गए इन्हें सबको हम यहाँ लिख लेते हैं, 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम आया ये, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसके ट्रिपलेट बनाएंगे, देखिए ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। अभी ये ट्रिपलेट इसका पूरा नहीं है, इसको बनाने के लिए हमें एक 2 और चाहिए, तो फॉर ट्रिपलेट टू इज रिक्वायर्ड, हमें 2 और चाहिए, इसीलिए सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 2 और चाहिए, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में इसका थर्ड पार्ट है 72। 72 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर 72, ये नंबर भी 2 से चलेगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 8 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18 एंड 3 3 द 9। अब देखिए हमारे पास में जो इसके फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 1 2 3 टाइम तो ये पूरा आ गया, इसका ट्रिपलेट तो ये पूरा हो गया, लेकिन 3 का ट्रिपलेट पूरा नहीं है, यहाँ पर एक 3 और चाहिए, जिससे
इसका ट्रिपलेट पूरा हो सके टू फॉर्म ट्रिपलेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3। नेक्स्ट आ जाता है 675 को भी हम यहां पर क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे किससे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 या 0 आता है वो नंबर 5 से चलते हैं, हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड। देखिए 5 1 बचा तो ये हो गए 17, तो 5 3 15, फिर 2 बचे 5 5 25, फिर 5 से कर लिया 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, ये सारे फैक्टर्स हमने इसके लिख लिए। 5 × 5 × 3 × 3 × 3, ये देखिए यहाँ पर 2 2 2 × 5 था और 3 × 3 था, तो इसका ट्रिपलेट तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये ट्रिपलेट इसका नहीं बना। तो 2 फॉर्म ट्रिपलेट नंबर रिक्वायर्ड इज 5 आंसर। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट इसका 100, तो 100 को हम इसी तरह से यहां पर फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 2 से चलेगा ये भी, 2 5 10, फिर ये फिर 2 से चलेगा, 2 2 4, 2 5 10, फिर 5 से चलेगा, 5 5 25, 5 1 5, तो इसके जो फैक्टर्स बने 2 × 2 × 5 × 5, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए इसका ट्रिपलेट पूरा नहीं है, एक नंबर 2 चाहिए एक 5 चाहिए, तो 2 फॉर्म ट्रिपलेट ऑफ 2 and 5 नंबर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो भी नंबर हमको चाहिए वो नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो हमें 2 चाहिए एक 5 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 × 5 लिख देंगे इक्वल टू 10, तो हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 10 टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को आप पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आपको इसको मेरे चैनल को तनवीर स्टडी पॉइंट को शेयर करना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।